अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम आईक्यू का सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें दो सर्कल दिए गए और हर जो सर्कल है उसके अंदर 8 ट्रायंगल्स है, सही। तो मैंने हर ट्रायंगल के जो अपोजिट वाला ट्रायंगल है उसको मार्क कर दिया, जस्ट लाइक कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4 है ये वाला जो ट्रायंगल हमारे बन रहा है, इसकी अपोजिट जो ट्रायंगल है मैंने उसको पहले से मार्क कर दिया, सही। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न जो बन रहा है वो ये है कि जो अपोजिट साइड से था उसके जस्ट लाइक यहाँ पर जो 4 है ना वो इन दो को मिला के बन रहा है। इसी तरह से जो 6 है वो 4 के अप 6 के जो अपोजिट है 4 वाले जो ट्राइंगल है इसके जो जो लास्ट के दो नंबर है उनको मिला के बन रहा है, सही है। इसी तरह से हम आगे भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक जो 8 है, सही है, वो हमारे पास बन रहा है कि 8 के जो अपोजिट ट्रायंगल बनता है, मतलब ये 16 वाला ट्रायंगल है, इसके जो दो लास्ट जो नंबर है उनको मिला के हमारे पास 8 बनता है, 4 + 4 = 8। इसी तरह 16 को अगर देखें तो 16 के अपोजिट जो ट्रायंगल है उनके जो लास्ट के जो नंबर है मतलब 7 + 9 करेंगे तो हमारे पास 16 बनता है, सही है। इसी तरह से हम यहाँ पर जज कर सकते हैं कि जो 9 है, 9 के जो अपोजिट ट्रायंगल है मतलब कि 6 वाला, कि इसकी जो दो लास्ट जो नंबर्स हो गए उसको मिला के 9 बनना चाहिए। तो हमें पता है कि एक नंबर क्या हमारे पास 2 है और एक हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वो होनी चाहिए कि जिसको अगर मैं 2 में ऐड करूं तो मेरे पास 9 बने। तो मुझे मालूम है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7। सो 7 इज द करेक्ट ऑप्शन।